हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, मैं टीचर फ्रॉम सीरम एकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेस टॉपिक सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि फर्स्ट नंबर में क्या दिया है। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, मतलब आपकी जो टेबल जो दी हुई है इसमें आपको जो लास्ट जो कॉलम दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आप ये कंप्लीट कैसे करेंगे, मैंने आपको एक यहाँ पे इसकी वीडियो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की मैंने इसको वन पार्ट आपको दे दिया है, वो भी आपने देख भी लिया होगा। अब ये क्लास फोर्थ का आपको यहाँ पे चैप्टर फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि ये लास्ट कॉलम में आपको करना क्या है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, से वेदर द इक्वेशन इज द सेटिस्फाइड यस और नो, आपको बताना है कि ये जो वैल्यू यहाँ से आप जब इनको फाइंड करेंगे या फिर आप चेक करेंगे पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके जो आंसर है ये वैल्यू ये राइट है या फिर रॉन्ग है। तो जो आप अगर ये वैल्यू आपकी राइट होगी तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर ये रॉन्ग होगा तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सिक्स एट एंड टेन नंबर, इनके जो बिटवीन के जो नंबर यहाँ पे बच रहे हैं वो आपको अपने से सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन देखिए कौन सा है, पहले एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, मीन्स आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको पता है जब यहाँ पे इक्वेशन आप जब सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको इक्वेशन के लिए इक्वल होना कंपलसरी है, इक्वल होना चाहिए, उसके साथ कोई वेरिएबल होनी चाहिए, वहाँ पे अल्फाबेट भी होनी चाहिए। अब इसको आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जब एक्स इक्वल क्या है यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, आपको यहाँ पे क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब इसको आप सिंगल करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स के साथ यहाँ पे थ्री अटैच है तो आप x की वैल्यू तब तक आप फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक इसको आप सिंगल नहीं करेंगे। तो आप देखिए सिंगल कैसे करेंगे, अगर ये x की वैल्यू है यहाँ से मैं 3 को क्या करूँ साइड कर दूँ तो x देखिए यहाँ पे सिंगल हो जाएगा और इससे आप क्या कर सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप ट्रांसफर करने के लिए इसके लिए आपको इसका सिंबल देना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है प्लस साइन, फिर आप जब लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्लस का अपोजिट क्या हो जाता है माइनस होता है। तो आप जब इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स इक्वल जीरो प्लस में है, आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस थ्री आएगा और आप जीरो में माइनस थ्री को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे देखिए सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस थ्री, चेक कर लीजिए उनकी वैल्यू क्या आ रही है एक्स इक्वल थ्री आ रही है। मीन्स आप जब यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो आप जब फाइंड करते हैं तो एक्स इक्वल क्या आ रहा है माइनस थ्री, बट यहाँ पे x इक्वल क्या दिया हुआ है 3 दिया है तो क्या ये वैल्यू राइट है, नहीं है, मतलब ये राइट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे नो कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब आपको देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बता देता हूँ, सेकंड मेथड से आप कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे वैल्यू पहले से गिवन है जैसे x इक्वल क्या है 3, तो आप इसको क्या कर सकते हैं पुटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट तो आप इस नॉर्मल मेथड से ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं जो आपने क्लास फिफ्थ में भी सॉल्व किया है लीनियर इक्वेशन को, और सेकंड आप इसको पुटिंग करके भी बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है सेम इसको मैं बता देता हूँ सेकंड मेथड से, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, आपके पास वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या गिवन है एक्स इक्वल थ्री है, तो आप जहाँ पे वेरिएबल आपको दिख रहा है एक्स दिख रहा है आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है 3 पुट करना है, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 और प्लस 3 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 और इक्वल क्या है 0। अब इस केस में आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ क्या है नॉट इक्वल है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आपके अगर इक्वल नहीं होंगे नॉट इक्वल है तो ये वैल्यू आपकी क्या है ये दोनों वैल्यू x की ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है। सेम यहाँ पे देख लीजिए अगर ये वैल्यू क्या होते दोनों सेम होते, यहाँ पे भी 6 आ रहा है अगर यहाँ पे भी 6 आता तो ये क्या होते लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट तो ये क्या होते बोथ इक्वल होते तो आपकी ये वैल्यू राइट हो जाती। बट अब जब उसको हम सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपके देखिए क्या है 6 है बट राइट हैंड साइड क्या है 0 तो आपकी ये वैल्यू क्या है नॉट इक्वल है, मीन्स ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं होगी इसलिए यहाँ पे मैं नो कर दिया। आप इस मेथड से बता सकते हैं यहाँ पे आप x की जो फिक्स जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, अगर मैं x की जगह माइनस थ्री पुट करूंगा x की जगह माइनस थ्री तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ इक्वल आएंगे, बट x की जगह हम जब 3 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है इक्वल नहीं आ रही है इसलिए ये क्या हो गया नो।
फर्स्ट मेथड से बता सकते हैं, सेकंड मेथड से भी बता सकते हैं। अब देखिए आपको मैं थर्ड नंबर बता दूं, थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, x plus 3 equal क्या है 0, तो आप रफ वर्क में यहां पे राइट कर लीजिए। देखिए कैसे सेकंड नंबर उसमें मैं सॉल्व कर रहा हूं, x plus 3 equal क्या है 0। सेम इसमें भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू सॉल्व जब करेंगे तो x को क्या होना चाहिए, सिंगल आप करोगे, क्योंकि जब ये सिंगल होगा तभी उसकी हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो x ये प्लस 3 को आप क्या करना है, आपको ट्रांसफर कर देना। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, देखिए क्या आएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 0 माइनस 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 3, मीन्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में माइनस 3 है, x इक्वल माइनस 3। और यहाँ पे देखिए x ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था, क्योंकि सेकेंड नंबर आपको सॉल्व करना है, थर्ड नंबर जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस 3 इक्वल क्या है 0, हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की है माइनस 3, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3 सॉल्व करने में भी आई है, और यहाँ पे x इक्वल माइनस 3 गिवन भी है, मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, क्योंकि आपको जो ये वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे दी हुई है वो इसकी वैल्यू सेम वही है। तो ये थर्ड नंबर हो गया, यस मैं आपको बताना था, ये आपको रफ वर्क में आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए आपको मैं फोर्थ नंबर बता रहा हूँ, फोर्थ नंबर में कैसे सॉल्व करना है, सेम इसमें भी आपको सेम मेथड सॉल्व करना है, जैसे x माइनस 7 इक्वल क्या है 1, आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं पुटिंग करके, आप x की जगह 7 पुट कर लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, मेरे हिसाब से क्या हो जाएगी यस हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। फिर आप सेकेंड मेथड से कर लीजिए आप, क्योंकि इसको ट्रांसफर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं ट्रांसफर करूंगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को आपको सिंगल करना पड़ेगा, इसके लिए आप माइनस 7 को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैं राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस 7 है राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 7 भी चेंज होंगे, अपोजिट में होंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 7, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 इक्वल 8, मींस x की जगह 8 वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 7, तो ये क्या हो गया नो, x की वैल्यू जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो x इक्वल 8 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है इस केस में 7 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। सिक्स नंबर देखिए, सिक्स नंबर हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे सिक्स नंबर में दिया हुआ है 5x इक्वल 25। अब आपके मन में कंसर्न, सर यहाँ पे अभी हम प्लस माइनस को सॉल्व कर रहे थे, बट नंबर और अल्फाबेट के बीच में यहाँ पे साइन कौन सा है, सैंपल कौन सा है, वो हमें पता नहीं है, तो आपको मैं फर्स्ट जब आपको वीडियो भेजा था मैं लीजिए क्वेश्चन वन वेरिएबल की, तो उसमें मैंने आपको बताया था नंबर और अल्फाबेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पे देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपको क्या करना है डिवाइड में ये चेंज करना है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 25/5, कट कर लीजिए 5 से 5 कट कट करेंगे क्या आएगा 5, तो 5 इक्वल x इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, देख लीजिए x की वैल्यू क्या 5 है नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 0, मीन्स ये वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, हमें x की जगह यहाँ पे 5 होना चाहिए था, बट क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी नो, इसको भी ऐड कर लेते हैं। देखिए एक नंबर, अब एक नंबर हमें यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये भी आपको रफ वर्क में करना है, इसमें क्या दिया हुआ है एन, एट नंबर में m by 3 equal to, 3 देखिए क्या है, 3 यहाँ पे ऐड में भी नहीं है सबट्रैक्ट में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में भी नहीं डिवाइड में है, m by 3 मतलब m किस में है डिवाइड में है, और डिवाइड को आप जब ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, कैसे सॉल्व होगा ये m equal, ये डिवाइड में है, इमेज डिवाइड का पोजिशन क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 m equal यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, मीन्स m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6 आएगी, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा नो। अब सेम ऐसे देखिए 10 नंबर क्या है m अपॉन 3 m बाय 3 इक्वल क्या है 2, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ रही है 6 और इसमें m की वैल्यू क्या आ रही है 6, मतलब ये क्या हो गया यस ये सेम हो गई वैल्यू, मतलब आपको यहाँ पे क्या बताना था यस और नो बताना है, इनकी जो वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वो इनको सॉल्व करके दी गई है कि अपने से कुछ वैल्यू ऐड कर दी गई है ये आपको बताना, तो ये हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करके हमने इसको इजी बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है
ये आ गई, या फिर आप इसको पुटिंग करके बता सकते थे, जैसे यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है वो आप इसमें पुट कर लीजिए, और अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं मींस इसकी वैल्यू है, अगर राइट नहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे। जैसे आपको देखिए, ये मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, या फिर 10 नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, पुटिंग करके मैं बता रहा हूँ ये नंबर। अभी मैं क्या कर रहा था, इसको ट्रांसफर कर रहा था, ट्रांसफर करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, बट हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। से m by 3 इक्वल क्या है, 2 है, हमें n की जगह क्या पुट करना है, 6, जहाँ पे m होगा वहाँ पे 6 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 6, तो 6/3, इसको आप जब कट करेंगे 3 लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इक्वल में यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से, 2 इक्वल क्या होगा, 2। यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट बोथ क्या इक्वल है, तो यहाँ पे यस आ गया, मीन्स इस टाइप के आपके क्वेश्चन में जो रिमेनिंग जो बच रहे क्वेश्चन, वो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी है। और आपके जो ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे आप अपने से भी नंबर ले सकते हैं। आपके जो लीनियर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है सिंपल, वो नॉर्मल इजी सिंप्लीफाई था, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कैसे आपको सॉल्व करना है। आप जो रिमेनिंग जो होंगे वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।